और दूसरे के हाई में लगा लो, दूसरे के हाई की चाल देखते हैं कैसी चाल है। तो दोस्तों पांच भाइयों को हमने कल्टीवेटर पे खड़ा कर दिया है, 11 का टेलर है। बैसला वीडियोस प्रेजेंट। नमस्कार दोस्तों, ऊधम बैसला यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज दिखा रहे हैं हम आप स्वराज 855 FE जो कि 5-star है और 4-wheel ड्राइव ये ट्रैक्टर है। तो दोस्तों इसका परफॉर्मेंस दिखाएंगे, इसकी ताकत भी दिखाएंगे, नया ट्रैक्टर और ये देखिए काफ़ी शेर जैसा दिखता है ट्रैक्टर सामने से भी, और स्वराज 855 नाम से ही काफ़ी बिक जाता है, जो कि इसका डेमो लेने के लिए और इसका परफॉर्मेंस देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी लोगों की डिमांड के खातिर आज हम स्वराज 855 FE की वीडियो शूट कर रहे हैं, जो कि इसके पीछे है 11 का टिलर। बहुत सी जगह टिलर बोलते हैं, बहुत सी जगह कल्टीवेटर बोलते हैं। तो दोस्तों इसमें परफॉर्मेंस दिखाएंगे और ये 4-wheel ड्राइव ये ट्रैक्टर है, 5-star है। और तो दोस्तों अब हम ट्रैक्टर को स्टार्ट कराते हैं और सभी भाइयों को इसकी ताकत दिखाते हैं, फिर जो इनके ओनर है उनसे आपका परिचय कराएंगे। चलाइए जी, कितने एक्सेलेटर पर चलाओगे आप? 1500 पे। अच्छा, कौन से गियर में? पहले में। तो आप 1500 RPM करके और पहले गियर में चलाना 2-wheel ड्राइव करके, बाद में 4-wheel ड्राइव लगाएंगे हम। 1500 RPM कर दो, एक बार में दिखा दो, 1500 कर लो। जहाँ दो बिंदी अच्छा छोटी सी, बस 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 बस। तो दोस्तों 1500 RPM कर दिए हैं ट्रैक्टर के और चलाइए। पहले के हाई में है, 1500 RPM है और 2-wheel ड्राइव में ट्रैक्टर है। इसका परफॉर्मेंस, इसकी ताकत दिखाएंगे। एक बार पीछे ले जाओ, जब घुमाने जा एक बार पीछे ले जाओ। हाँ, अगर रास्ता नहीं है ये देखिए, काफी स्पीड है रिवर्स में भी। और चलाओ, ये देखिए कल्टीवेटर की गहराई देख सकते हो, गीला खेत है और ट्रैक्टर काफी अच्छा चल रहा है। ये देखिए बहुत लोगों की डिमांड है, तो भाई वीडियो को लाइक जरूर करना और कमेंट करके बताना कैसी लगी वीडियो और कैसी लगी ट्रैक्टर की ताकत। हम सभी कंपनी के ट्रैक्टरों की वीडियो शूट करेंगे, काफ़ी लोगों की डिमांड है। तो दोस्तों आज हम 855 4-wheel ड्राइव की वीडियो शूट कर रहे हैं और यहाँ के जो ओनर हैं उनसे भी परिचय कराएंगे सभी भाइयों का। और एक बार मैं दोनों लीवर नीचे डलवा के दिखवाता हूँ। दोनों लीवर डाउन कर दो जी, दोनों डाउन है। ये देखिए दोस्तों दोनों लीवर डाउन करके चलाने लगे, काफ़ी अच्छा चला है। टू व्हील में चल रहा है। एक बार आप 4x4 करके दिखा दो, चलाओ। तो दोस्तों आपकी बार पहले 4-wheel ड्राइव था, आपकी बार 2-wheel ड्राइव है, जो कि ट्रैक्टर थोड़ा ड्रॉपिंग करने लगा है और फिर भी काफ़ी अच्छा चला हुआ है। रेंसिंग देख सकते हो आप कल्टीवेटर की, ये देखो काफ़ी गहराई ले रहा है कल्टीवेटर। और पहले 4-wheel ड्राइव में था, जो यहाँ के अंकल जी हैं उनको पता नहीं थी, अब ये 2-wheel ड्राइव में है, ट्रैक्टर ड्रॉपिंग कर चुका है। इसी जगह ले जाओ, और यहाँ पे दो भाई खड़े हैं, उनको एक बार हम टिलर पर खड़े दिखाएंगे। बस जी एक बार रोक लो भाई जी, हाँ सामने दोनों एक बार आइए, जो कि काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिखा रहा है ट्रैक्टर। और मैं एक बार लीवरों की वीडियो दिखा दूँ, दोनों लीवर डाउन है, ये देखो अंकल जी ने बिल्कुल भी लीवर नहीं छेड़े हैं, वहीं पे है। अब की बार आप इसे तीसरे के लो में लगाओ और जितने भाई ट्रेलर पे खड़े हो जाओ, एक बार भाई एक बार ऊपर आ जाओ। 1500 वहीं RPM कर लो, 1500 इसी में रहने देना, 2-wheel ड्राइव में तीसरे के लो में रख लो। पहले में तो दोस्तों पांच भाइयों को हमने कल्टीवेटर पे खड़ा कर दिया है, 11 का टेलर है, वहीं दोनों लीवर डाउन है और देख सकते हैं आप काफ़ी अच्छी सिंचाई कर रहा है ट्रैक्टर, जो कि तीसरे के लो में है ये। और यहीं के हैं हम,
इसमें पहले का हाई लगवाएंगे भाई, पहले का हाई लगा दो, पहले का हाई आप पकड़ के रहना भी। काफी अच्छा रिजल्ट दिखा रहा है ट्रैक्टर, ये देखिए आप, ये पहले का हाई में है और टू व्हील ड्राइव ये ट्रैक्टर है जो कि फोर व्हील भी नहीं है। ये देखो दोनों लीवर डाउन है, ये देखिए आप, चलो कोई दिक्कत नहीं, चलो धुआं नाम का बिल्कुल चीज नहीं है, बस रोक लो यहाँ फोर बाई फोर कर दो, यहीं कहीं गेयर ये में चढ़ने हैं लीवर, पहले खाई में ही रहते, चलाओ आपके बारे में फोर व्हील ड्राइव है, ये तक से ये देखिए, बस जी बस 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 पहले में ना चौथे किलो में डाल दो, चौथे किलो में डाल दो, चलाओ चौथे किलो एक बार रोक लो एक बार, चौथे किलो में लगाना अभी, चलाओ ये देखिए जो इसके चौथे की लो की स्पीड है वो पहले से कम है और गहराई देख सकते हो आप, ये देखिए आप जो कि पांच भाई इस पे खड़े हैं और ये देखिए, एक बार मैं इसका मीटर दिखाऊंगा आपको खाऊ पर चढ़ करके कितना आरपीएम ये ड्रॉप करेगा, यहां पे ले आओ जी एक बार, बस रोक लो चले तो हमने रेस नहीं छेड़नी है, वो बात छोड़ने वही 1500 आरपीएम है और देख देख कितना ड्रॉपिंग करेगा, चलाओ जी यहीं यहीं पकड़ लीजिए भाई पकड़ लीजिए, ये देखिए फिलहाल उठाव ले रहा है ट्रैक्टर 1200 1300 1400, ये देखिए जैसे ही क्लिक छोड़ने से डाउन हुआ था ऐसे अपने आप ऊपर की तरफ उठ गया ट्रैक्टर बिल्कुल, और धुआं वगैरह का नाम ही नहीं है, ये देखो और पांच भाई पीछे खड़े हुए हैं, भाई आप सब नीचे आ जाओ, अब अंकल जी आपकी बार दूसरे का है में वही 1400 1500 आरपीएम जो कि काफी ताकत दिखा रहा है ट्रैक्टर, स्मोकिंग नहीं है बिल्कुल भी, धुआं वगैरह का नाम नहीं है, 1500 ही कर लो और दूसरे का हाई में लगा लो, दूसरे का हाई की चाल देखते हैं कैसी चाल है, पहले टू व्हील ड्राइव में कर लो, टू व्हील ड्राइव में, हाँ पिछले ही टू व्हील ड्राइव में अब चलाओ दूसरे में, बस 4x4 लगा लो, 4x4 चलाओ, बस दूसरे में नहीं चलता क्योंकि स्पीड ज्यादा है, बंद कर लो तो दोस्तों अब कर दिया हमने ट्रैक्टर को बंद, जो कि आपने देखा मैंने इसको पहले के हाई में भी चलवाया था और तीसरे के लो में भी और चौथे के लो में भी और लास्ट बार दूसरे के हाई में, उसके चक्कर ज़्यादा होने के कारण ट्रैक्टर ड्रॉपिंग कर रहा था, लेकिन काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस पहले के हाई में दिखा रहा, तो दोस्तों एक बार मैं सभी भाइयों को परिचय कराऊंगा, आ जाइए भाई एक बार, नमस्कार जी भाई कैसे हो भाई, बहुत बढ़िया भाई। तो भाई एक बार अपना परिचय करा दो, जो सामने से हमारे किसान भाई देख रहे हैं, ऑडियंस देख रहे हैं, सबको मालूम है।
मेरा नाम नन्नू गुर्जर, नन्नू गांव बड़ौली डिस्ट्रिक्ट पलवल से हूँ। अभी हमने ट्रैक्टर लिया है और इतनी अच्छी परफॉर्मेंस है इस ट्रैक्टर की कि मैं बताऊँ, इससे पहले भी हमने ट्रैक्टर रखे है। कौन सी कंपनी के थे जी वो? एक न्यू हॉलैंड था जी, एक फार्म ट्रैक था जी, उसके बाद हमने ये लिया है। अच्छा, तो इसकी परफॉर्मेंस देख के हमको इतना अच्छा लगा है, आप देख भी रहे हो और बिल्कुल देख रहे हैं, बिल्कुल दिखाया जी जी, बहुत अच्छा ट्रैक्टर है। अच्छा, तो भाई जैसे आप फार्म ट्रैक बता रहे थे और न्यू हॉलैंड भी बता रहे थे, उसके मुकाबले ट्रैक्टर कैसा लगा आपको? उसमें सबसे ज्यादा तो वो मेन तो पॉल्यूशन था उनका, वो अच्छा, धुआं बहुत देते थे। अच्छा, और उनके एवरेज वो तेल बहुत ज्यादा खाते थे, इसकी तेल बहुत अच्छा और एवरेज बहुत अच्छी है जी जी जी, और 4x4 होने के कारण इससे जुताई बहुत ही अच्छी होती है, खिंचाई ज्यादा करता है। तो दोस्तों भाई नन्नू जी बता रहे, इनके इनके पास पहले न्यू हॉलैंड और फार्म ट्रैक ट्रैक्टर थे, वो स्मोकिंग करते थे, लेकिन उन्होंने अब अपडेट किया है, मतलब नया ट्रैक्टर लिया है 855 FE, जो कि इसका परफॉर्मेंस काफी अच्छा बता रहे हैं और जो कि फोर व्हील ड्राइव में भी काफी अच्छी खिंचाई बता रहे हैं। हाँ, नमस्कार जी, एक बार अपना परिचय करा दो जी। मैं भैया बिर्रे, बिर्रे बड़ौली से, गांव बड़ौली से। अच्छा अच्छा, तो भाई ट्रैक्टर आपका ही है? ट्रैक्टर वो बड़े भाई हैं आपके? हाँ, अच्छा हाँ। अच्छा, तो दोस्तों दोनों बड़े भाई हैं। आपने 11 के टिलर में इस ट्रैक्टर का परफॉर्मेंस देखा, तो भाई मेरा कैसा ट्रैक्टर? भाई ट्रैक्टर बढ़िया लगा भैया हमें तो अभी तो। अच्छा अच्छा, और आगे पता लगे? अभी तकरीबन मेरे हिसाब से 20 घंटे ट्रैक्टर चले हुए, अभी खुल के रमा नहीं हुआ है। हाँ, खुला ना ट्रैक्टर, काफी अच्छा रिजल्ट दिखा रहा है। हाँ, जो कि हमने 5 बंदे इस ट्रैक्टर पे खड़े भी किए हैं, तो ट्रैक्टर काफी अच्छा रिजल्ट दिखा रहा था, ड्रॉपिंग नहीं कर रहा था। और नमस्कार भाई, नमस्कार, एक बार अपना परिचय करा दो भाई सभी भाई। भाई नेहरू गुजर, नेहरू गुजर बड़ौली से। अच्छा अच्छा, मोहित भाई। अमन बैसला भाई, गांव बड़ौली से। अमन बैसला जी। अच्छा अच्छा, मोहित सभी भाई बड़ौली से ही हैं। हाँ, तो दोस्तों गांव बड़ौली से हैं सभी भाई, जो कि बैसलात का मशहूर गांव है, गांव कुशक बड़ौली बोला जाता है, जो कि कुशक से ही निकली हुई है बड़ौली, बैसलात का मशहूर गांव, गांव बड़ौली से हैं सभी भाई, जिन्होंने काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया ट्रैक्टर का, काफी अच्छा रिव्यू कराया है। और आप देख सकते हैं इसके पीछे है 11 का कल्टीवेटर, जिसमें दोनों लीवर डाल करके भी ट्रैक्टर ने बिल्कुल भी स्मोकिंग नहीं की थी और नहीं ड्रॉपिंग करी थी। बस थोड़ा फर्क ये है, ट्रैक्टर के दूसरे के हाई की चाल ज्यादा होने के कारण थोड़ा ड्रॉपिंग कर रहा है, लेकिन दोनों लीवर हम कंट्रोल करके चलाएं तो ट्रैक्टर चल सकता है दूसरे के हाई में भी, ऐसा नहीं है नहीं चलेगा। जो कि मैं एक बार कल्टीवेटर की गहराई दिखा दूं, जो कि गीला खेत है, यहाँ पे 2 दिन पहले बारिश हुई थी, ये देखो स्प्रिंग है जो वो बिल्कुल जमीन से टच है, ना कि थोड़ा ऊपर, और 11 का टिलर है जो कि काफी लोड डालता है ट्रैक्टर ने, नए ट्रैक्टर होने की खातिर अभी बिल्कुल रमा नहीं हो, काफ़ी अच्छा रिजल्ट दिखाया। एक बार मैं सभी भाइयों को इसको नॉर्मल जुताई में, जैसे हम आम जुताई करते हैं कंट्रोल करके ड्राफ्ट और पोजीशन लीवर करके, एक बार दूसरे गियर में जरूर चलवा के दिखवाऊंगा भाई, एक बार दूसरे गियर में चला के दिखाओ, जैसे हम जुताई करते हैं। चला, 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 चला। कंट्रोल करो जैसे आप चलाते आए हो, और दूसरे के हाई में वही 1500 RPM लगा कर दिखाओ। डालो ट्रैक्टर नीचे नीचे, ये देखिए अब ये कंट्रोल करके चल रहा है, दूसरे के हाई में है ये ट्रैक्टर, और 4-व्हील ड्राइव में है शायद, मैं पता करूंगा भाई से। ये देखिए अब भाई, ये 4-व्हील चल रहा है, 2 में चल रहा है, 4x4 में चल रहा है, एक बार 2 में कर दो इसको। तो दोस्तों 2 में करके दिखा रहे हैं, आपके बार 4x4 में था ये, चलाइए ये देखिए, जो कि 2-व्हील ड्राइव में भी काफी अच्छी चाल है ट्रैक्टर की, ये देखो तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं ऐसी नई वीडियो के साथ। सब्सक्राइब करने के बाद घंटा बचाएं ताकि आप दूसरा अपडेट घंटा भी मिले।